सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग रश। ये मेरा नेरल का वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें आप मेरी नेरल से मेरे नवी मुंबई के घर तक की रिटर्न जर्नी भी देख पाएंगे और नेरल के आजू बाजू का एरिया भी एक्सप्लोर करेंगे। इसीलिए मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पाए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ट्रैवलिंग रश पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद। ये मेरे नेरल के घर की टेरेस है जो मेरे बेडरूम को अटैच है। यहाँ देखो, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो माथेरन का पहाड़ है। ये नीचे बेंगलोर की बेंगलोर के बहुत से बेंगलोर यहाँ है। ये साइड में भी है, ये पीछे के साइड में नेरल गांव है। ये भी है, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है पीछे के साइड। ये 400 स्क्वायर फीट की टेरेस है। अब हम लोग हमारे बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। मैं यहाँ हमेशा नहीं रहता हूँ, इसलिए यहाँ मैंने सामान थोड़ा कम ही रखा है। ये देखो, ये मेरा बेडरूम के खिड़की से व्यू, सामने माथेरान का पहाड़, नीचे एक बैंगल है। ये मेरा रूम से बढ़िया व्यू दिख रहा है, सामने माथेरान के पहाड़ है और पूरा ग्रीन एरिया है। अब हम लोग हमारे मेन रूम की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ मेरा, ये मेरा किचन है। हम लोग वापस अभी वापस बेडरूम में जा रहा हूँ और ये सामने टेरेस में जा रहा हूँ। कोरोना के वजह से 7-8 महीना मैं यहाँ नहीं आ सका था, तो वो बेसिकली आने के बाद मेरे को बहुत सी साफ़ सफाई करनी पड़ी, बहुत कचरा जमा हुआ था। 7-8 महीने मैं यहाँ नहीं आया था, उसमें ही कल मेरा आधा दिन गया। अगर कोरोना नहीं होता था तो मैं रेगुलरली मंथ में एक दो बार यहाँ आता हूँ, सैटरडे संडे को। नेरल गांव बहुत ही शांत गांव है, उसके वजह से वेदर भी अच्छा है। नज़दीक बहुत से टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो सामने का पहाड़ पे माथेरान है। और बेसिकली बहुत ही शांत गांव होने के कारण मुंबई जैसा इधर यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है। बहुत ही रिलैक्सेशन के मूड में यहाँ का एटमॉस्फेयर है। ये पीछे के साइड राजेंद्र गुरु नगर है। वहाँ बहुत से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो 5-7 साल में नेरल बहुत ही अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आने के कारण डेवलप हो रहा है। अब मैं नेरल के मेरे घर से टूवर्ड्स करजत घूमने को लिए निकल रहा हूँ। अभी थोड़ा शाम का समय है, उसके वजह से थोड़ा अंधेरा हो रहा है। मेरे बाजू में दोनों साइड में ये नेरल गांव है। ये लेफ्ट साइड में नेरल में को जाने वाला रास्ता है, नेरल गांव में, और हम लोग राइट साइड में मुड़ रहे हैं। हम लोग करजत भिवपुरी के साइड जा रहे हैं।
जंगल के आजू बाजू में बहुत से झाड़ और ग्रीनरी है। ये सामने आपको एक प्रवेश द्वार दिख रहा है, भाई कोतवाल प्रवेश द्वार, और जो वहाँ से आप माथेरान को घाट चढ़ के पहुँचते हैं। ये देखो, ये कमान है वो, और लेफ्ट साइड में हम लोग मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स करजत ब्यूपुरी। ये मेरे घर की मेन रूम है, देखो अभी हम लोग खिड़की आ जा रहे हैं, खिड़की से आगे बाहर का व्यू देखिए। देखो ये सामने नीचे बाजू आजू बाजू का मेरे बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग दिख रही है। ये नीचे एक बंगलो है, और सब जगह यहाँ ग्रीनरी है, और सामने माथेरान का पहाड़ दिख रहा है। माथेरान यहाँ से अराउंड 8 to 10 किलोमीटर है। आधे घंटे में आप दस्तूरी नाका को पहुँचते हैं, और वहाँ से वॉकिंग करके या शटल ट्रेन से आप माथेरान पहुँचते हैं, जो 2-4 किलोमीटर वहाँ से होगा। अब ये देखिए मेरे घर, ये मेरा मेन एंट्रेंस है घर का। देखिए यहाँ आगे भी ग्रिल लगाया हुआ है, या हो ये फ्लोर पे सिर्फ दो ही फ्लैट है, एक मेरा और एक मेरा भाई का। कॉमन टेरेस में अभी मैं पहुंच चुका हूँ, कॉमन टेरेस में जो सबसे ऊपर है, वहाँ से माथेरान और नेरल गांव का व्यू बढ़िया दिखता है। ये सामने देखो माथेरान के पहाड़ है, ये नीचे नेरल गांव का गांव है। देखो पूरा ग्रीनरी है, कोकोनट, जामुन, बनायन के बहुत से ट्री है। ये पीछे साइड नेरल गांव है, ये नीचे एक बंगलो है, और ये छोटे छोटे बिल्डिंग दिख रहे हैं, वो मेरा ही कॉम्प्लेक्स है। अभी कुछ दिन में विंटर चालू होएगा, उसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा खासा ड्रॉप हो जाता है। मुंबई से यहाँ का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री तक कम रहता है, और पोल्यूशन फ्री एरिया होने के कारण यहाँ ठंड भी अच्छी तरह पड़ती है। बढ़िया व्यू है। अभी मैं मेरे टेरेस के दूसरे कोने में आ चुका हूँ। यहाँ से मेरा कॉम्प्लेक्स का व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है। देखो वो सामने मेन गेट दिख रहा है, दो बिल्डिंग के बीच में। ये 6 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है। एक बादाम का झाड़ भी आपको दिख रहा है। थोड़ी देर में हम लोग यहां से मेरे घर की तरफ नवी मुंबई को निकलूंगा। अभी मैं मेरे मेन रूम में खिड़की में खड़ा हूँ। ये देखो बाहर का खिड़की से बाहर का व्यू, मेरा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये सामने बादाम का ट्री है, और ये नीचे एक बंगलो दिख रहा है, वहाँ से आजू बाजू से एक कच्चा रास्ता भी दिख रहा है। फिलहाल मैं मेरे कॉम्प्लेक्स के गेट से बाहर निकल रहा हूँ,
नवी मुंबई की तरफ। यहाँ से नवी मुंबई वाया इंडी स्टूडियो और चौक से अराउंड 65 किलोमीटर है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक से एक घंटे में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि कोरोना के वजह से आजकल ट्रैफिक भी कम होता है। फिलहाल शाम के 3 बजे है, हम लोग का निरल गांव के बाजू से जा रहे हैं। देखो, मैं अभी निरल गांव से बाहर आ रहा हूँ, अभी लेफ्ट टर्न मार के हम लोग टूवर्ड्स नवी मुंबई वाया करजत चौक फाटा से जाएंगे। ये सामने गणेश घाट है, जहाँ गणपति के त्यौहार में गणपति का विसर्जन होता है। अब हम लोग स्टेट हाईवे पे है, बदलापुर करजत वाला, जो आगे चल के खोपोली को भी जाता है। ये लेफ्ट साइड में नेरल का गांव दिख रहा है, सामने पहाड़ दिख रहा है, वो माथेरान का है। ये रोड भी अभी बहुत ही अच्छा मेंटेन है। नेरल गांव में थोड़ा रोड छोटा है, लेकिन नेरल गांव के बाहर आउटस्कर्ट ये वापस स्टेट हाईवे 4 लेन का हो जाता है। लेफ्ट साइड में नेरल गांव को जाने का एंट्रेंस है, जो का नेरल रेलवे स्टेशन और मार्केट एरिया में जाता है। ये देखो, यहाँ से लेफ्ट वो गेट दिख रहा है। हम लोग अभी निकल चुके हैं। ये सामने कमान दिख रही है, वो माथेरान को जाने वाले रोड की है, और हम लोग लेफ्ट साइड में थोड़े मुड़ रहे हैं और टुवर्ड्स भीवपुरी करजत रोड पे लग चुके हैं। ये लेफ्ट साइड में एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, राइट साइड में भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी टॉय ट्रेन का लाइन आएगी, वो क्रॉस करके हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग अभी करजत के आगे आ चुके हैं। ये लेफ्ट साइड में खोपोली का रास्ता जाता है वाया पलसदरी, और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड इंडी स्टूडियो। वहाँ से राइट टर्न मार के नेशनल हाईवे से नवी मुंबई को पहुँचेंगे। अभी ये जो रोड अभी ये एरिया चालू हुआ है, वो बहुत ही ग्रीनरी है, आजू बाजू में जंगल है, पहाड़ है। यहाँ ड्राइव करना एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। देखो, टोटली ग्रीन फॉरेस्ट है दोनों साइड में, और उसमें के बीच में से गाड़ी चलाना बहुत ही बढ़िया है। कोरोना के वजह से आजकल थोड़े ट्रैफिक कम है, उसके वजह से गाड़ी चलाना और ही बढ़िया लगता है। तो भी आज संडे इवनिंग है, उसके वजह से थोड़ा ट्रैफिक है। देखो, दोनों साइड में बहुत ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ है। एनडी स्टूडियो अभी यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर होगा। ये एरिया में बहुत से फार्म हाउस है, रिसॉर्ट है,
फिल्म के सेलिब्रिटीज़ के बहुत से बंगलो है, फार्म हाउसेस है उनके। क्योंकि ये सह्याद्री के फुटहिल्स पे है, उसके वजह से आजू बाजू में बहुत जगह जंगल है, उसके वजह से यहाँ फार्म हाउस और रिसोर्ट है। लेफ्ट में अप्पा फार्म है और आगे बाबा डेरी है, जहाँ हम बहुत टाइम वड़ा पाव और बाकी चीज़ खाने के लिए रुकते हैं। ये देखो, आपको दिख रही होगी बाबा डेरी प्रोडक्ट। हम लोग अभी शिडुंगे टोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये रोड पे अभी थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि ये संडे की इवनिंग है, उसके वजह से क्या लोनावला साइड से, करजत साइड से बहुत से लोग वापस रिटर्न जर्नी संडे शाम को करते हैं टुवर्ड्स मुंबई, उसके वजह से बहुत भीड़ हो जाती है। सामने अभी श्रीलंका टोल दिख रहा है, यहाँ भी ट्रैफिक लग चुका है। देखो, श्रीलंका टोल आ गया, ये देखो लाइन लगी हुई है, तो बहुत ट्रैफिक लगा है टोल पे, श्रीलंका टोल नाका। सीधा पनवेल सिटी में जाता है रोड, और राइट साइड में हम लोग टोल भर के एक्सप्रेस वे पे एंटर करेंगे। चलो चलो तो दे आगे, सामने एक्सप्रेसवे का टोल दिख रहा है। हम लोग अभी एक्सप्रेसवे पे एंट्री करने वाले हैं। ये देखो, ऊपर से एक्सप्रेसवे जा रहा है और हम लोग नीचे से जाके ऊपर एक्सप्रेसवे पे टुवर्ड्स मुंबई एंट्री करेंगे। ये देखो, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और ये आगे जाके
एक्सप्रेसवे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे दिखेगा। हाँ ये देखो हम लोग एक्सप्रेसवे में एंट्री कर चुके हैं। ये एक्सप्रेसवे के वजह से मुंबई पुणे की जर्नी अब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे पे आ चुकी है। पहले ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जाते थे तो 4.5-5 घंटे भी लग जाते थे कभी कभी ट्रैफिक जाम के वजह से। बढ़िया रोड है। हम लोग अभी पाम बीच रोड पे है। यहाँ से मेरा घर अराउंड 1 किलोमीटर पे है। आगे चल के एक राउंड सर्कल लगेगा, वहाँ से राइट मारेगा तो मैं मेरे घर के नज़दीक पहुँच जाऊँगा। ये रोड नवी मुंबई का एक बेस्ट रोड कहा जाता है। एक साइड में लेफ्ट साइड में पूरा समुंदर है और राइट साइड में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही बढ़िया रोड है।